मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेकन सियासत। दोस्तों आपके सामने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, देर ही सही लेकिन रिजवान अरशद का एक ट्वीट जो आता है, इससे ये समझ में आता है कि इंसानियत अभी भी बाकी है। दरअसल दोस्तों इदरीस पाशा जिसका बेरहमी से कत्ल हो जाता है, जो पुनीत के रेहल्ली है, जो एक गौरक्षक के नाम से जो गुंडागर्दी किया है और रैंसम 2 लाख रुपए रैंसम लेने की कोशिश की थी, और ये भी कहा जाता है न्यूज मीडिया चैनलों में, कनाडा न्यूज चैनलों में भी आया था, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों में थोड़ा सा तिनका सा जो है अपडेट इसमें दिया गया था और प्रिंट मीडिया में भी इसकी खबर छपी थी। चंद हमारे जाबाज रिपोर्टर्स ने भी इसके बारे में बताया था। तो क्या हादसा हुआ आप लोगों को बहुत खूब पता है, मैं फिर से वो वाकया जो है आपके सामने नहीं पेश करना चाहता, लेकिन दोस्तों एक चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि हमारे मुस्लिम लीडरान कहाँ है, क्यों जो है अभी तक आवाज नहीं उठाए। तो आज एक खुशी की बात यह है कि कम से कम देर से ही सही लेकिन आज रिजवान अरशद जी के ट्वीट से ये समझ में आता है कि रिजवान अरशद शिवाजी नगर हलके के एमएलए साहब और चामराजपेट के एमएलए जमीर अहमद खान साहब दोनों जो है इकट्ठे जो है इदरीस पाशा के घर पहुंचे और वहां पे जाके उनके फैमिली मेंबर्स से बात किए और थोड़ा बहुत जो है उनको जो है तसल्ली दे के, आप कहे तो क्या कहें, आप कुछ तो कर नहीं सकते। अब उनके घर में जो है एक फैमिली मेंबर जो कमाता था, उनके बच्चे भी है, कहा जाता है उनके ट्वीट में ये भी कहा गया कि 2 बच्चे हैं करके। तो ये तमाम चीजें देख के बाद ये समझ में आता है कि कम से कम इंसानियत बाकी है, अभी भी जो है मुस्लिम लीडरान में इंसानियत बाकी है। कोई नहीं गया था अभी तक इदरीस पाशा के घर, और क्योंकि इनको थोड़ा बहुत ये रहेगा कि चलो हमारे मुस्लिम लीडरान हमारे साथ हैं, हमारे साथ हादसा हुआ है लेकिन हमारे हक के लिए लड़ने के लिए कोई ना कोई तो साथ दे सकता है करके। दे सही सही ये हो सकता है कि मतलब ये कहीं क्योंकि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है तो इसकी वजह से ये जो है मसरूफ हो, अपने कामों में शहर से दूर हो, पहुंचने में हो सकता है कि देरी हो गई है, लेकिन देर से ही सही लेकिन कम से कम पहुंचे जरूर। अब बात ये आती है कि डी के शिव कुमार जी ने भी अपना बाइट दे दिया है, उसके बारे में मैं खुलासा कर चुका हूँ। डी के एच डी कुमार स्वामी जी ने भी अपना बाइट दे दिया है, देर से ही सही लेकिन कम से कम इन्होंने जो है अपना मुंह से जो प्लास्टर है उसको तो खोल दिया। अब जो है ये खुशी की बात यह है कि मुसलमानों के लिए एक रहबर बन के दोनों पहुंच गए इकट्ठे, लेकिन सीएम इब्राहिम साहब मिसिंग है, ये लापता है, पता नहीं अभी तक ये क्या कर रहे हैं। ये जब मंडिया में वाकया हुआ था मुस्कान हमारी बहन का, उस समय तो मेरी बेटी करके उधर भाग गए, उधर जाके गले लगा लिए बेटी का। अब यहाँ पे क्या हुआ आपको, सीएम इब्राहिम साहब जेडीएस के आप सदर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और आप कहते हैं कि मुसलमानों का दर्द मुझे है, तो आप क्या कर रहे हैं अपनी गुजरी की ट्रेन जो के ड्राइवर जो आप रहे, आप अभी तक क्यों जो है इसके बारे में ना ही कोई बाइट दिए, ना ही कोई आवाज उठाए, ना ही जो है इदरीस पाशा के घर जाके थोड़ा बहुत तसल्ली दे देते। अब ये नहीं पता है कि क्या कुछ इनको जो है इनके तरफ से कुछ रिजवान अरशद जी और जमीर अहमद खान साहब ने इनको कुछ जो है फिलहाल जो है उनके घर के एक्सपेंसेस के लिए कुछ दिया हो या नहीं दिया हो, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि उनके घर में जो रोजी रोटी जिसके बदौलत चलती थी वही अभी शख्स जो है नहीं रहा। वो हादसा तो सब लोगों को पता ही है, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि इतनी दूर दोनों गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ जो है वहां पे उनको कुछ तसल्ली करके ही आए होंगे और कुछ वादे भी करके आए होंगे कि इनको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। फिलहाल ये खुशी का मुझे होती है, अगर कोई भी हो, मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो ऐसे कौम के मसलों में अगर आगे आता है तो मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। इस बात को जो है आपके सामने पहुंचाना जरूरी था और इसी बात को लेकर के, और फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, अगली बार फिर से नई खबर लेके आपके सामने हाजिर होता हूं। दुआ में याद रखे, और हाँ एक बात और है, कल आईएमए की केस की हियरिंग है ईडी के ताल्लुकात से, वो केस की हियरिंग के बारे में भी आपको इंशाल्लाह अपडेट जरूर दूंगा। दुआ में याद रखे, आपका फरहान रशीद और हमारे इस यूट्यूब चैनल को डेकन सियासत को देखते रहिए। शुक्रिया।